अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स, मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। सबसे पहले व्यूअर्स, हम लोग एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम ये चिकन मेंस यानी चिकन का कीमा एक पाव के करीब ऐड कर देंगे। जैसे ही व्यूअर्स चिकन का कीमा भुन जाएगा और ये थोड़ा अपना कलर जो है वो चेंज करेगा, तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स वो जो अभी आप लाइक करें, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो लाइक करती हूँ, इसलिए मैं दोनों वेजिटेबल्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको वेल कुक मैं करूँगी, ठीक है। तब तक ये गल नहीं जाती। शिमला मिर्च व्यूअर्स गल चुकी है। अब व्यूअर्स हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी कटी हुई, ठीक है। जब पक जाएगी तो काफ़ी अच्छे से मैश हो जाएगी। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और फिर व्यूअर्स हम इसको इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमारी ये सब्ज़ियाँ जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो कुक हो रही हैं। अब हम इसके अंदर नमक की, काली मिर्च है एक चम्मच के करीब, ये नमक है एक चम्मच के करीब, ये व्यूअर्स हमारे पास, हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और फिर भूनने के बाद व्यूअर्स हम इसको ठंडा कर लेंगे। हमारा मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब व्यूअर्स ये देखिए व्यूअर्स, मटेरियल हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम बॉईल किए हुए 4 अदद आलू हैं उनको हम इसके अंदर डालकर अच्छे से हम मैशर से मैश कर लेंगे और फिर व्यूअर्स हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब व्यूअर्स हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के किनारे हम काट लेंगे अच्छे से इस तरीके, कुछ इस तरीके के साथ जिस तरह के आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और इसी ब्रेड के ये जो किनारे हैं इनको आप खुश करके इनके क्रम्स भी बना सकती हैं, ठीक है। इस तरह अब हम ब्रेड को काट लेंगे। काटने के बाद व्यूअर्स अब हम इसका, सबसे पहले हम इसके रोल बनाएंगे, ठीक है। इसको हल्का सा प्लेट के अंदर पानी लेंगे, इसको अच्छा सा गीला करेंगे, गीला करने के बाद इसको सुखा लेंगे। फिर हम ये मटेरियल लेंगे, मटेरियल की मदद से हम कबाब की रोल की शक्ल का मटेरियल लेकर हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे, ठीक है। और ये ब्रेड रोल्स हमारे रेडी हो जाएंगे। ऐसे रोल की शक्ल में आपने इसको कर लेना है, ठीक है। और फिर व्यूअर्स हम इसको बारी बारी करके रखे जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे ब्रेड रोल्स जो हैं वो हाथ की मदद से आप इसको शेप दें, ठीक है। तो हमारे ब्रेड रोल्स बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इसी तरह व्यूअर्स हम सारे ब्रेड के रोल्स बना लेंगे, जितने भी हमने पीसेस काटे होंगे और जितना मटेरियल उसमें पूरा आएगा, ठीक है। फिर व्यूअर्स हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, ठीक है। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद एक अंडा फेंटेंगे अच्छे से, ठीक है। उसको भी हम सेट पर रख लेंगे और कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे तेल गरम होने के लिए, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, सारे ब्रेड रोल्स जो हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं। कढ़ाई को हमने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। अब हम ब्रेड रोल लेंगे, इसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं एक हाथ की मदद से अंडे में डिप करूँगी, फिर इसको ब्रेड क्रम में रखूँगी और फिर दूसरा हाथ लूँगी और उसके ऊपर से ब्रेड क्रम डालूँगी। इस तरह व्यूअर्स बिल्कुल भी ब्रेड क्रम आपके हाथों के ऊपर नहीं चिपकेगा, आपके हाथ बिल्कुल नीट रहेंगे और सिर्फ जो है ना, और ब्रेड क्रम जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए व्यूअर्स, बारी बारी हम इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ब्रेड रोल्स माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, निदा फरहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई अपलोड के साथ। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और आप लोगों का साथ है जो मुझे किसी न किसी मकाम पर लेके जाएगा। इसके साथ ही निदा फरहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई अपलोड के साथ। वह आखिर उदावना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।